भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे हरिद्वार, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। राकेश टिकैत ने कहा कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में ज्यादातर विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह जनता की आवाज नहीं उठा रहे। विधायकों को खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसे कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में खासकर पहाड़ी क्षेत्र में किसानों का बुरा हाल है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि हम राजनीतिक दल है, लेकिन यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों को संगठित होकर संगठन में ही रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही ताकत है। देश में विपक्ष कमजोर है, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाही जो है आ जाएगी, इसलिए विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। हरिद्वार से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। प्रदेश में यहाँ तीन जोन यहाँ पे पूरे प्रदेश में है। एक ये मैदानी क्षेत्र है जी, जहाँ पे फसल गन्ने की है, धान है, गेहूं है। एक इससे ऊपर अगर चले जाओगे तो पहाड़ की अलग सिचुएशन है। यहाँ की सरकारों को, पहले वाली सरकारें भी रही और इस वाली सरकार को भी, तो अगर कर दोगे, एक है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, अगर पहाड़ पे किसान खेती कर रहा है, मंडी तक जाने की व्यवस्था उसकी सरकार की जिम्मेदारी हो जाए, तो 2 रुपया किसान को मिल जाएगा।